भाई पवन सिंह यंग हैं, ये जरूर हम लोग के लिए लड़ेंगे, जो हम लोग का जो समस्या है हम लोग जो उनके पास रखेंगे उस पर ये विचार करेंगे। हम लोग का हर नौजवान साथी, हमारे गार्जियन, अभिभावक, जो भी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, माँ बहन, एक बार मौका दे करके आप लोग देखिए। और हमें भी विश्वास है कि ये नेता बन करके नहीं, एक बेटा बन करके जरूर आप लोग का हर समस्या का निदान करेंगे, हमें विश्वास है। यार मेरा नाम अभिषेक है और अभी हम इस वक्त डेहरी में मौजूद हूँ। और जैसे कि आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा जो क्षेत्र है वो हॉट सीट बन चुका है। और अभी हमारे साथ यहाँ पे पवन सिंह के मित्र बड़े भैया सरजीत सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मेरे तरफ से भी, मैं लोक गायक सरजीत सिंह, अभिषेक रोहतास चैनल के सभी दर्शक को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, ये जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है आज ये हॉट सीट बन चुका है पवन सिंह जी के नाम के जुड़ जाने से, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, ये तो कहने की बात नहीं है। अगर आप गूगल पर भी सर्च मारिएगा तो आज का जो लोकसभा क्षेत्र का जो पहला नंबर पर काराकाट का नाम आएगा। और देश में ही नहीं, विदेशों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे पवन भाई जब से काराकाट क्षेत्र में जब से ऐलान किए और जब से चुनावी क्षेत्र में उतर गए हैं तब से तो मतलब कहना ही नहीं है, काराकाट क्षेत्र में एक अलग माहौल बन गया है। भारत में दिल्ली के बाद काराकाट ही सर्च किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काराकाट कोई मतलब ये कहिए कि दूर दूर तक उतना लोग नहीं जानते थे, लेकिन पवन भाई के आने से काराकाट नंबर वन पर हो गया है। ये जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है इसका नाम पहले लोग करकट जानते थे, क्योंकि जो संसद में ये सब पहले मंत्री रहते थे ये लोग नाम शुद्ध से नहीं पढ़ पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब तो स्पष्ट पवन सिंह के आने से काराकाट क्षेत्र के मतलब हर जगह कही है, इंडिया में कहाँ नहीं, इंडिया का मतलब विदेशों में भी काराकाट का लोग नाम जानते हैं। अच्छा, तो पवन सिंह का नॉमिनेशन भी हो चुका है और यहाँ पर उनका जो छाप है वो कैंची छाप भी मिल चुका है। बिल्कुल हाँ, कैंची छाप उनका मिला है और जोरों शोरों से प्रचार भी चल रहा है, जो जहाँ है अपने स्तर से लगा हुआ है और सफलता भी मिल रहा है और जीत का अग्रिम बधाई भी उनको कई जगहों से मिल चुका है। अच्छा, जनता का मूड क्या है काराकाट क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक जनता की बात है तो जनता का हर किसी का एक अपना अपना मत होता है, लेकिन जब से पवन भाई एंट्री किए हैं, पवन जी जब से एंट्री किए हैं, एक काराकाट में एक अलग सा उमंग, लोगों के अंदर एक अलग सा जोश जुनून, और पवन भाई भी चाहते हैं कि काराकाट का मैं विकास करूं, क्योंकि पब्लिक जब साथ देगी तब तो ये करेंगे, पावर इनको जब पावर मिलेगा तब तो ये विकास करेंगे जी। तो हर जगह से लोगों का भी चाहना है, लोगों का भी अंदर से ये है मोनोपोली कि भाई पवन सिंह यंग हैं, ये जरूर हम लोग के लिए लड़ेंगे, जो हम लोग का जो समस्या है हम लोग जो उनके पास रखेंगे उस पर ये विचार करेंगे, हम लोग का हर समस्या का निदान करेंगे। इसी उम्मीद से माहौल तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, ये कहने की चीज़ नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं। पवन सिंह को लोग नचनिया भी बोल रहे हैं और यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले नोखा में नीतीश जी का रैली हुआ था, उसमें भी ये बात को बार बार दोहराया जा रहा था। देखिए अभिषेक जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस बात पर हमारे पवन भाई भी बहुत कुछ बात बोले थे। देखिए, जहाँ तक नचनिया की बात है, यहाँ पर अगर संसारिक हम बात करें तो यहाँ पर कौन नहीं नाच रहा है? कोई धन के पीछे, अगर किसी को औलाद नहीं हो रहा है तो औलाद के लिए कहाँ कहाँ दौड़ रहा है, भटक रहा है, नाच रहा है। ये तो कहने का मतलब, किसी को गाड़ी बंगला चाहिए, किसी को बहुत सारा व्यवस्था चाहिए, तो वो भी एक नाच रहा है, लेकिन ये संसारिक बात हो गई। अगर हम आध्यात्मिक बात करें जी, तो हमारे देवों के देव महादेव तांडव नृत्य नहीं किए थे ना जी। इसके बाद में एक पंक्ति है कि पानी पानी सब कहे सारा जगह है पानी में, शेष नाग की फन के ऊपर खड़ी है धरती पानी में, ताता थैया कृष्ण कन्हैया, ताता थैया कृष्ण कन्हैया रास रचवले पानी में, आ लेकर चीर कदम पर बैठे खड़ी है धरती पानी में। तो जब कृष्ण जी महादेव जी जब तांडव नृत्य किए, ताता थैया का जब कृष्ण जी कालिया नाग पर जब नृत्य किए, तो हम लोग की क्या औकात है? पवन सिंह तो कलाकार हैं, हम लोग तो मनोरंजन करते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड से लेकर के पॉलीवुड तक, चाहे हमारे माननीय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी हों, हेमा मालिनी जी हों, मुकेश खन्ना जी हैं, चाहे हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी हैं, हाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, रवि किशन जी हैं, तो ये लोग भी मान लीजिए मनोज भी गायक से नायक बने, तो वो लोग डांस नहीं किए हैं और सभी पब्लिक उनको पसंद भी किए। तो ये कहना जो लोग कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया ये वोट बिगाड़ने के लिए आए हैं, उनका कहना बिल्कुल गलत है। कहना क्या है,
रिजल्ट खुद सामने आप लोगों को मिल जाएगा। अब बहुत जगहों से पवन भाई को जीत की अग्रिम बधाई का कई जगहों से बधाई का उनको मिल चुका है, पहले ही मिल चुका है। काराकाट में तो पवन लहर चल रहा है, पूरा काराकाट पवनमय हो गया है। बिल्कुल, काराकाट क्षेत्र में जब से पवन जी एंट्री किए हैं, नौजवानों के दिल में, चाहे जो गार्जियन हैं, माँ बहन हैं, सब लोगों के अंदर एक विश्वास जग गया है जी। और देखिए, होना भी चाहिए, पवन जी एक ऐसे इंसान हैं कि इनके दिल में कोई छल कपट नहीं है, बहुत ही ज़मीनी आदमी हैं, जो बात कहते हैं वो दिल से कहते हैं। और आप लोग सुने भी होंगे कि वो कहते हैं कि मैं जो बोलता हूँ दिमाग से नहीं बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, जो कि ये जग जाहिर है। तो कहने का मतलब है कि पवन भाई बहुत ही ज़मीनी आदमी हैं, और उनके अंदर, उनके आँखों में वो सपना है, दिल में वो जुनून है कि नहीं, मैं काराकाट के लिए मैं कुछ करूँ, काराकाट का विकास करूँ। हाँ, काराकाट का मैं विकास करूँ। तो मैं कहना भी चाहूँगा कि जो काराकाट क्षेत्र के, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जो भी हमारे नौजवान साथी, हमारे गार्जियन, अभिभावक, जो भी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, माँ बहन, एक बार मौका दे करके आप लोग देखिए। और हमें भी विश्वास है कि ये नेता बन करके नहीं, एक बेटा बन करके जरूर आप लोग का हर समस्या का निदान करेंगे, हमें विश्वास है। लोगों का कहना है कि पवन सिंह जीत के बाद कहीं मुंबई फिर फिल्मी दुनिया में चल गए। तो देखिए, पर्सनली अगर मैं बोलूं तो देखिए, पवन सिंह को मैं आज से नहीं, 27-28 वर्षों से मैं जानता हूं, और उनसे बहुत ही अच्छा रिलेशन भी मेरा है। और आज भी कहीं भी लाखों की भीड़ हो, कहीं भी कार्यक्रम हो, अगर मेरे क्षेत्र में कार्यक्रम रहता है तो वो अपना पर्सनली हमको बोल भी देते हैं कि सरबजीत भाई आज यहाँ आपको आना है। और लाखों की भीड़ हो वहाँ पर, पवन भाई हमको सीना ठोक करके और लाखों के भीड़ में मेरे लिए 2 मिनट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम कलाकार हैं तो मतलब हमको वो, मतलब दिल में उनके प्रति, उनके दिल में जो है, पवन भाई के दिल में कोई भी छल कपट नहीं है। और हमें ये पूरा विश्वास है कि पवन भाई जीत करके जरूर काराकाट क्षेत्र का विकास करेंगे। और जितने हमारे नौजवान साथी हैं, गार्जियन, अभिभावक हैं, माँ बहन हैं, सबका समस्या का ये हल करेंगे। आज ये बदलने वाले इंसान नहीं है, इसलिए कि मैं इनको 28 वर्षों से जानता हूँ। अच्छा, आज काराकाट क्षेत्र को कोई नहीं जानता था, जब से पवन जी का नाम जुड़ा तब से दिल्ली तक के मीडिया भी यहाँ इस क्षेत्र में कदम रखने लगे। हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए क्या है कि अपने स्तर से सब लोग मेहनत कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ है और मैं उनको हृदय से नमन भी करता हूँ। और मैं तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हिंदुस्तान के लिए इंसान नहीं, भगवान के रूप में आए हैं। तो अब मैं क्या बोलूँ, बाकी तो सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है, ठीक ना। तो अपने स्तर से सभी लोग मेहनत कर रहा है, पवन भाई भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना। सभी जो भी माने हर दल के लोग अपना मेहनत कर रहे हैं। बाकी अच्छा, लोगों का कहना है कि जो 18 से 25 वर्ष के युवा ही इनके मतलब जनसंपर्क हो या जन सैलाब हो उसमें नजर आ रहे हैं, केवल लफुआ ही नजर आ रहे हैं। नहीं देखिए, लफुआ कह करके संबोधित करना ये कहीं से उचित नहीं है। एक चीज़ हमें बताइए, चाहे मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आज हम लोग घर में सुरक्षित हैं, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, हम लोग किसके बदौलत खा रहे हैं? अगर आज हमारे देश के नौजवान बॉर्डर पर मोर्चा न संभालते तो मेरा देश सुरक्षित रहता नहीं, नहीं रह पाता। तो हमारे देश के जो नौजवान है वो युवा शक्ति हैं, और वही देश के भविष्य। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे, चूँकि देखिए, मैं जो हमारे गार्जियन है, अभिभावक, मैं उनको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, चूँकि हम लोग उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हमारे जो गार्जियन है वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, उन्हीं लोगों के अनुसार, उन्हीं लोग का जो बनाया हुआ रास्ता है उसी पर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन युवा शक्ति को लफुआ कह करके संबोधित करना ये कहीं से उचित नहीं है जी, ठीक ना। इसलिए कि युवा शक्ति है, युवा ये देश के भविष्य हैं, और हमारे देश के युवा ही जो है हर कोने कोने पर, बॉर्डर पर अपना मोर्चा संभाले हुए, आज उन्हीं के बदौलत हम लोग अपने घर में सुरक्षित हैं। तो ये लफुआ कह करके संबोधित करना ये कहीं से उचित नहीं है। अच्छा, पवन भैया को किसी पार्टी से टिकट क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, टिकट तो मिला था,
इस विषय में ज़्यादा मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये तो दुनिया जानती है, दुनिया जग जाहिर है कि भाजपा से उनको टिकट मिला था आसनसोल से लड़ने के लिए। लेकिन अब क्या है पर्सनली, क्या मैटर है, मैं उस चीज़ को मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लोगों को सब पता है। आज हर लोगों को काराकाट की मतलब सीट जो है पहली पसंद बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने कहना ही नहीं है, ये तो पब्लिक सब कुछ देख रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मतदाताओं से जो काराकाट क्षेत्र के हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं एक गीत के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो भी हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे काराकाट लोक सभा क्षेत्र के सम्मानित गार्जियन अभिभावक हैं, माँ बहन हैं, एक गीत के माध्यम से मैं एक छोटा सा अपील करूँगा। हो काराकाट के भागिया जगाए दी जा, हो काराकाट के भागिया जगाए दी जा, अब की पवन सिंह के विजयी बनाए दी जा, अब की पवन सिंह के सांसद बनाए दी जा, कि कैची छाप पर बटन दबाए दी जा, कैची छाप निशान के जिताए दी जा, अब की पवन सिंह के विजयी बनाए दी जा, कि अब की पवन सिंह के सांसद बनाए दी जा। और अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि वोट इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन वापस में जो भाईचारा है, जो एकता है, प्रेम है, बना रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो सातवीं चरण में ये जो है काराकाट लोकसभा का चुनाव है, सातवीं चरण में 1 जून को है। चलिए, मेरा प्रयास कैसा रहा, तब तक ले जय हिंद।